कहीं भी हिंसा नहीं हुआ है। उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी। न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज जो खबर आई है वो कोलकाता से आई है। कोलकाता में भारी बवाल हुआ है, भारी प्रदर्शन हुआ है। कोलकाता में 8-9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसके बाद मर्डर की वारदात हुई, इसके बाद मंगलवार को यानी कि आज छात्र और मजदूर संगठन ने रैली निकाली और मार्च निकाल रहे पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जोथा मंच ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है और नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का दरअसल सचिवालय है जहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री और अफसर बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों की रैली करीब 1:15 के आसपास यहां पर शुरू हुई और हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठियां भांजी हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी पुलिस की तरफ से बताया गया। इधर नवन्ना जाने से रोकने के लिए 7 मार्गों पर, रूटों पर 3 लेयर में 6,000 की फोर्स तैनात की गई थी। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई थी, DCP तैनात किए गए थे, हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया था, निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हिंसक प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। राज्य सचिवालय के पास BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। यहां पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। इसके अलावा क्रेन के जरिए भारी कंटेनर्स भी सड़कों पर रखे गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसान आंदोलन के समय हुआ। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज इलाके से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया और वाटर कैनन भी चलाई। आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर मामले पर BJP के प्रवक्ता गौरव भाटिया कह रहे हैं कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी हैं और सच को सामने आना चाहिए। CBI को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि सच को दबाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पर हैं, छात्रों को कुचल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, BJP की तरफ से कहा गया और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को मजबूती से उठाया भी जाएगा जैसा कि आज उठाया गया है। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हालांकि हिरासत में भी लिया है। हावड़ा ब्रिज के पास प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया और पुलिस वैन में ठूंस ठूंस कर बैठाया गया। इधर प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का जवाब पथराव करके दिया है। पत्थर बरसाए गए हैं, पुलिसकर्मी जो हैं वो चोटिल भी हुए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो पत्थर फेंके गए। इसमें इधर ED ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। ED को दरअसल शुरुआती जांच में ही वित्तीय अनियमितताएं यहां से पाली हैं उन्होंने। इधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जो हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने यह आरोप लगाया कि 4 छात्र कार्यकर्ता लापता हैं और हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के केस में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने किसी का भी नाम लिए बगैर कहा कि लापता होने का आरोप झूठा है और पुलिस का कहना है कि चारों मंगलवार के नवन्ना अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रचने की योजना बना रहे थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। इधर नवन्ना रैली निकालने वाले छात्र संगठन ने CM ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है और ऐसे में पुलिस ने हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर बने CM हाउस की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है। ममता बनर्जी का यहां पर बंगला है, 6 किलोमीटर दूर सचिवालय से है। कोलकाता पुलिस ने हावड़ा ब्रिज को भी बंद कर दिया था, सड़क के दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां तैनात की गई थी, दफ्तर जाने वाले लोगों को इससे खासी परेशानी हुई, प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की ओर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन TMC की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया, TMC यानी तृणमूल कांग्रेस ने इस रैली को ही माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया है। TMC ने कुछ वीडियो भी इसके लिए बाकायदा जारी किए हैं जिसमें मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल का जो है यहाँ के घाटल के BJP नेताओं को हिंसा भड़काने की योजना बनाते हुए बताया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इधर ADG जो कानून व्यवस्था संभालते हैं उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी अराजकता भड़काने की कोशिश करेंगे, ऐसी खुफिया जानकारी सरकार को पुलिस को मिली है और इसलिए राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 163 जो पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लागू कर दी है आसपास के क्षेत्र में। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं, कंटेनर
और डंडे वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। इधर कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से यह कहा गया कि रैली के लिए आवेदन जो आया था उसे खारिज किया गया और औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए यह गैर कानूनी है और इसीलिए ये पुलिस को ये कड़े कदम उठाने पड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो प्रदर्शन हुआ है, अभी भी पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो प्रदर्शन हुआ है ये 1970 के बाद सबसे बड़ा डॉक्टर्स का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, क्योंकि 1970 में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था। इसमें सीनियर डॉक्टर शामिल हुए थे। ये 1970 का वाक्य हम आपको बता रहे हैं और ये प्रदर्शन 10 दिनों तक चला था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के मामले में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 8 अगस्त की घटना और उसके बाद ये पूरा महीना बीतने को आया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन हो रहा है। राज्य में केवल 9 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज तब हुआ करते थे, ये 1970 की बात बता रहे हैं। इसके बाद 1983 में भी एक प्रदर्शन हुआ था, यहां पर सभी पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर्स ने बेहतर फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और एक हफ्ते तक यह भी चला था। 2019 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पर अस्पताल में इंटर्न एक परिबाहा मुखर्जी पर मरीज के परिजनों ने हमला कर दिया था। इसके खिलाफ भी जूनियर डॉक्टर्स सड़क पर आ गए थे, देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ था। 2017 में भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, कोलकाता का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इसी में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजन ने जूनियर डॉक्टर पर हमला किया था और तब भी विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने रैली निकाली थी और प्रदर्शन किया था। इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज 2024 जो चल रहा है, इसमें 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की वारदात सामने आई थी। इसके खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स ने 9 अगस्त से जो आंदोलन की राह पकड़ी है, तो अभी भी देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि देश भर के जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन, अलग अलग एसोसिएशन है, उनकी से ये प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। जबकि कोलकाता में अब भी जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स जो हैं, उनका कहना है कि अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत होती नजर भी आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार को घेर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्यपाल जो हैं उन्होंने भी दिल्ली का दौरा किया था, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था। वहां छात्रों को उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी तरह से इंसाफ जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, पूरी नजर रखी जा रही है। इधर पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर लगातार ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि सरकार को इस्तीफा देना होगा। हालांकि ये बीच में ये बात चली कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाया जा सकता है और क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन इस प्रदर्शन की अगर बात की जाए, तो प्रदर्शन के बाद अब यह देखना होगा कि वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम में क्या कुछ बदलाव आता है। फिलहाल तो इस प्रदर्शन में हिंसक झड़प की खबर है और यहां पर पथराव भी हुआ है। पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया है और पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। तो देखना होगा इस मामले में क्या कुछ अपडेट और आगे निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।